ये रहा, ये ताकत दो लगा दो रहा है, देखिए कितना है, लो आजा। ऐसे लग रहा है कि घर का पालक मच्छी हुआ ल, 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 देखिए का जो चैलेंज है सोनी के साथ हम लोग का स्टार्ट है, देखिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिलीप सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं इंट्रो चालू कर रही हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, आज पापा का छुट्टी है तो अभी हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। और वहाँ पर जाके हम लोग जो करने वाले हैं, आप लोग अगर वीडियो में बने रहिएगा तो आपको देखने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और अगर आप वीडियो स्किप कर दिए तो आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, तो फिर ये हो गया। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा जो छुट्टी है, तो परी बोल रही है कि पापा आज छुट्टी है आपका, तो कहीं घुमाने ले चलिए ना बेटा। हाँ। कहाँ चलेगी, तो इधर देख रहे हैं ना, परी रेडी हो चुकी है कहीं लेके चलिए। तो एक सप्ताह तो कहीं जाती नहीं है, तो वही हम सोचे कि चलो मार्केट तरफ घूम के आते हैं। ऐसी कोई ऐसे हम लोग का जाने का कोई एक टारगेट नहीं है, ऐसे निकल पड़े हैं। क्या बेटा तुम ही जाएगा ना, तो इधर किशन भी रेडी है। किशन तो रेडी होता ही नहीं है हमेशा, ये तो एकदम फ्रेश रहता है ना बेटा। तो चला जाए हम लोग मार्केट की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट से थोड़ा हट के, अपना चलते हैं हम लोग थोड़ा डैम के साइड। तो दोस्तों यहाँ देखिए कितना मस्त लग रहा है, जो हम लोग का जगन्नाथपुर मंदिर है। और यहाँ का बगल में पानी टंकी के पीछे हम लोग आ गए हैं, और यहीं से हम लोग पानी पीते हैं, समझा किशोर? यहीं से हम लोग का सप्लाई जाता है। पहले उधर से पाइप दिख रहा है ना, वहाँ से धुरुआ से आता है और फिर यहाँ जितना फिल्टर होके जमा होता है फिर हम लोग को सप्लाई मिलता है। यहाँ क्या है किशु? कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान? कब्रिस्तान नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्र बोलते हैं। और दोस्तों आगे यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ रांची का न्यू हाईकोर्ट बना है। काफी सुंदर बना है, लेकिन मस्त एकदम बना है। विधानसभा बगल में ही है और बगल में ही आपका हाईकोर्ट है। और जो किशन बोल रहा है कब्रिस्तान, तो यही कब्र को बोल रहा है कब्रिस्तान। और यहाँ से बगल में ही आप देख रहे हैं कि ये है आपका ये स्टेडियम है ना। तो हम लोग का माही भाई यही आते हैं खेलने के लिए, तो हम लोग वहीं से किनारे होते हुए जा रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा ऐसे घूमते रहेंगे, थोड़ा जा रहे हैं डैम के साइड में। तो थोड़ा सा घर घर में बोर हो गया है बच्चा सब भी ना, तो थोड़ा सा बाहर का आप लोग को भी नज़ारा दिखा दें। देख रहे हैं ना एकदम हरा भरा, थोड़ा देखने में भी मजा आए। तो चलिए अभी डैम के किनारे में आप फिर मिलते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग झारखंड उच्च न्यायालय, तो यहाँ देखिए एकदम नया एकदम बना है, चकाचक लग रहा है। पुलिस लोग तो बहुत है, अंदर जाएंगे नहीं तो हम लोग यहीं से मुड़ जाएंगे क्या, और जाके भी क्या देखेंगे अंदर में, अभी तो कुछ है भी नहीं देखने के लिए। तो हाँ, तो हम लोग यहीं से हम लोग निकलते हैं। और यहीं से होते हुए आप लोग का रांची का कुछ कुछ चीज दिखा दे रहे हैं जो नया है, और यहीं से हम लोग आप चलेंगे। और देख रहे हैं ना बगल में ही स्टेडियम कितना मस्त लग रहा है। तो यहाँ रांची में घूमने के लिए ना अभी मौसम इतना मस्त है कि क्या ही बताएं एकदम। और ऐसे भी मेरा आज तो छुट्टी था, तो सोचे कि किशन और परी और सोनी को भी घुमा दे, इतना अंदर एकदम पिंजरा में बंद जैसा रखे। तो ऐसा तो कुछ मकसद नहीं था कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन निकल पड़े तो सोचे कि आप लोग भी कुछ कुछ जगह ऐसा है जो दिखा दें आप लोग को। किशन जा रहा है अपने डैम में बैठ के खाने के लिए कुरकुरे लेस यही सब लेने के लिए। तुमको भी चाहिए सोनी? नहीं। तुमको परी क्या चाहिए जल्दी बताओ? देखिए इसका भैया तो खाली वही कुरकुरे ले यही सब को तोड़ेगा। इधर पूरा भैंसा का ही एकदम मोहल्ला है लग रहा है, खाली भैंसे भैंसा दिख रहा है पूरा क्या। हाँ। और अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं धुरवा डैम का एकदम एंट्री में। और यहाँ देखिए पूरा चाट और फुचका सब लगा हुआ है, लेकिन इसको अभी नहीं आने टाइम देखा जाएगा ना परी है क्या, अभी अभी हम लोग डैम पे पहुंच गए हैं। यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा मौसम है,
ठंडा हवा भी लग रहा है, अब परी को देखिए ठंडा लग रहा है। और यहाँ देखिए सोनी, तुम लोग का घर तरफ पूछ लो कि रोपा उपा लग रहा है कि नहीं। यहाँ आपको जूम करके देखते हैं, दिखा देते हैं, देखिए पूरा यहाँ अपना खेत तैयार कर लिया है यहाँ रोपा ऊपर लगाने के लिए। उतरेंगे इधर रोपा में नहीं, इधर टेप साइड अभी नीचे उतरेंगे। तो ये सब का प्लानिंग है, कुछ कुछ लेके आया है इधर। और आज तुम लोगों को कैसा लग रहा है? कुरकुरे खाएंगे, उसके बाद रील्स बनाएंगे, उसके बाद पूरा एंजॉय करेंगे काफी टाइम, उसके बाद चलेंगे उधर चाट गुपचुप खाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। क्या क्योंकि परी लोगों को बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है बाहर निकलने के लिए, हम लोग तो निकलते रहते हैं, इसीलिए लोगों को सोचे आज थोड़ा सा घुमा दिया जाए। इसको कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है ये लोग। तो चलिए अभी हम लोग नीचे उतर रिट देंगे। हाँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, और पापा आप हम लोग को क्यों नहीं लाते हैं? कभी भी तो लाइएगा, इतना अच्छा हवा चल और ठंडा भी बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि आज बारिश पड़ा है, तो अभी ज्यादा जरूर आइएगा। कभी कभी तो लाते ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग धुरवा डैम में आते हैं, लेकिन उतना नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम लोग का स्कूल रहता है, उसके बाद हम एक घंटे रहते हैं, फिर ट्यूशन ही में जाते हैं, फिर तो शाम ही हो जाता है, तो फिर नहीं घूम पाते हैं। तो आज आए हैं फिर से हम लोग धुरवा डैम, बहुत दिनों के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू हो रहा है। तो जानती हो परी, देखो तुम लोग को रोज लाएंगे तो स्कूल कौन जाएगा? काहे कि फर्स्ट हाफ में तो परी सब जाती है स्कूल अपना, और सेकेंड हाफ में हम अपना स्कूल जाते हैं, तो कैसे होगा परी बताओ? क्योंकि ड्यूटी जाना तो जरूरी है, तो सप्ताह में एक दिन तो घुमा ही देते हैं हम, है कि नहीं? परी कैसा लग रहा है यहाँ पे? तो काफी मस्ती कर रही है, तो सब कुछ देख रहे हैं ना, यहाँ सब अपना अपना जोड़ा के साथ में नीचे है, तो हम लोग सोच रहे हैं पूरा फैमिली के साथ हम नीचे जाएंगे, कहे कि भाई हम लोग का जोड़ा तो फैमिली है, तो चलिए हम लोग भी नीचे चलते हैं। तो दोस्तों किशन का कहना है कि कैसे यहाँ ये मछली मारता है, तो देखने जाएंगे, तो हम ले चल रहे हैं किशन को मछली मारने, यहाँ परी को पकड़ के ले जाएंगे। देख रहे ना दाब, यहाँ पत्थर है बड़ा बड़ा है ना, रुक जा बेटा, हम पकड़ के चल रहे हैं परी को। तो दोस्तों यहाँ लग रहा है भैया लोग अभी जस्ट पहुँचबे किए हैं क्या भैया? अभी यहाँ देखिए ये सब तैयारी कर रहे हैं अपना फांसा का बना, ये मछली फंसाने के लिए, और देखिए क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं। क्या है भैया ये? फूही बोलते हैं। हाँ भाई फूही है। ये फूही है, अभी लग रहा है फूही, आप लोग को भी दिखाते हैं क्या क्या करते हैं भैया। अभी डेली मारते हैं क्या आप लोग? नहीं भाई, टाइम पास ना, वही तो टाइम पास है। तो इधर किशन बहुत ध्यान से देख रहा है कि कैसे इधर फंसाया जाए मछली को ना किसी। देखिए काटा रहा भैया का मछली का काटा। अच्छा ये बांस का नहीं है ना? ये कितना तक में मिलता है? 1200 का। देखिए ये 1200 का है, इसको क्या बोलते हैं? छड़। ये मछली वाला छड़ है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भैया जो डाले हैं एक मछली लग रहा है पकड़ा है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं और जितना भी चिप्स कुरकुरे लाए हैं वो खाने स्टार्ट भी कर लिए हैं, क्या किशन? काफी मजा आ रहा है क्योंकि घर में खाने में इतना मजा नहीं आता, ये लीजिए आप लोग भी खाइए। हम लोग भी डैम में बैठ के चिप्स कुरकुरे खाने का मजा ले रहे हैं, उसके बाद अभी परी बनाएगी रील्स। और सप्ताह में एक बार ना फैमिली के साथ ऐसा निकलिए, क्योंकि टेंशन में आदमी घर में रहिएगा ना तो दिन भर माइंड में एक ही चीज चलता है, और ऐसे में आपस में नोक झोंक भी चलते रहता है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा बाहर निकले तो माइंड भी फ्रेश, आदमी का सोच भी चेंज हो जाएगा, और घर में रहने से फिर आप इतना डिस्टर्ब हो जाइएगा तो कि कुछ में मन भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता, घर से कहीं निकलने मन नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो पूरा फैमिली के साथ बाहर जाएंगे। और यहाँ डैम का एक खासियत है कि यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ जोड़ा में आदमी दिखेगा, लेकिन हम लोग दो जोड़ा पाए, एक हम लोग जोड़ा जोड़ा सब। तो चलिए अभी चिप्स कुरकुरे का इंजॉय लेते हैं, थोड़ा हम लोग भी बैठ के गप्पे सप्पे करते हैं, थोड़ा रील्स वगैरह बनाते हैं, उसके बाद हम लोग भी चलेंगे घर। मजा आ रहा है परी है? परी को तो मजा ही मजा है। तो चलिए बाद में मिलते हैं। तो यहाँ चूहा फंसा रहे हम, देखिए लो आ जा, आना देखिए लो, चुप रहना, बड़ा बड़ा चूहा है भाई, ये रहा ये ताकत लगा रहा है,
देखिए कितना है, लो ऐसे लग रहा है कि घर का पालक मच्छी ला 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 ला, देखिए ले 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 ले, गुस्सा के काटने लगेगा, ले ले ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ दोस्तों अभी काफी टाइम बैठने के बाद हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं, काफी शाम हो गया है और सब कोई अभी घर चल रहा है, तो अभी वहाँ पे झाल मुढ़ी वाला है तो हम लोग अभी झाल मुढ़ी खाएंगे क्योंकि मौसम का मजा लेंगे। किसान परी उसके पापा देखिए उधर से चढ़ रहे हैं, उधर हम लोग का गाड़ी है और इधर ये रहा झाल मुढ़ी, तो चलिए अभी झाल मुढ़ी लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का देख सकते हैं झाल मुढ़ी बन रहा है मौसम, और अभी देख सकते हैं कितना भीड़ है रास्ता में, सब घूमने फिरने वाला है, इधर भी भीड़ है और काफी शाम हो गया, तो चलिए हम लोग झाल मुढ़ी का मजा लेते हैं। तो अभी हम लोग डैम से आ चुके हैं और यहाँ पे अभी गुपचुप खाएंगे और हम और किशन का पापा दोनों गुपचुप चैलेंज करेंगे कौन कितना ज्यादा खाता है। काफी अंधेरा हो गया है, हम लोग का घर आते आते, इधर देख सकते हैं इधर गुपचुप वाला भैया, हम लोग को फुचका चाहिए मिलेगा? तो दोस्तों हम लोग सब कोई मिल के अभी खाते हैं और सोनी और मेरा में चैलेंज है, देखते हैं कौन ज्यादा खाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग का फुचका जो चैलेंज है सोनी के साथ हम लोग का स्टार्ट है, देखिए तो यहाँ पे हम हारते हुए ये कंटिन्यू लगे हुए हैं, हम हार चुके हैं गुपचुप खाने में, हम 20 फुचका खा गए हैं, 20 फुचका हम खाए, हम तो 10 का में ही ठीक हो गए, इधर किशन भी खा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं और आप लोग देखेंगे कि हम लोग मार्केट में दोनों गुपचुप चैलेंज कर रहे थे, पर चैलेंज में तो हम हार गए, किशन का पापा बहुत सारा गुपचुप खाए, हम ज्यादा खा नहीं पाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।